हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज का मेरा एक छोटा सा अपडेट है कि आज मैंने कौन सा वर्क किया, कौन से प्लांट्स खरीदे, कौन से प्लांटर्स खरीदे, तो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने आज कौन से प्लांट्स परचेज किए हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये ब्यूटीफुल गॉम्फ्रिना, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा लवली प्लांट, ब्यूटीफुल कलर। देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है। इसमें काफ़ी कलर्स आते हैं गाइस, इसमें पिंक और वाइट, थोड़ा ऑफ वाइट कलर का भी आता है। तो सबसे अच्छा कलर मुझे यही लगता है, पर्पल कलर। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये प्लांट है और इसे मैंने ऐड किया है अपने गार्डन में। और सेकंड जो मैंने ये वाला जो है वाइट वाला विनका, मेरे पास नहीं था, वाइट विनका नहीं था, तो ये कलर भी मैंने ऐड किया है। और थर्ड वन ये वाला, ये ब्यूटीफुल क्लेडियम। एक्चुअली ये मेरे पास पहले था क्लेडियम, तो विंटर सीज़न में जैसे ही ये डोरमेंसी में चला गया तो फिर मैंने उसका जो बल्ब है वो मैं सेव नहीं कर पाई, तो वो मेरा प्लांट ख़राब हो गया था। तो इस समर सीज़न में दोबारा मैंने इसे ऐड किया है अपने गार्डन में। तो ये देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल है। ये अपने आप में ही एक बहुत ख़ास प्लांट है, बहुत ही प्यारा समर सीज़न का ये ब्यूटीफुल प्लांट है। और विंटर सीज़न जो है इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है, और उसे अगर आप प्रॉपर केयर करें इसकी बल्ब की तो आप उसे प्रिजर्व कर सकते हो। तो वो एक अलग वीडियो उस पे, अगर मेरे से हो सका तो मैं बनाऊंगी कि कैसे उसे प्रिजर्व करना था, जो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने केयरलेस थी इसके बारे में, मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरा वो बल्ब डैमेज हो गया। एनी हो, फिर से मैंने दोबारा इसे ऐड किया है अपने गार्डन में। और आज ही ये वाला, ये देखिए इशोरनिया, बहुत ही प्यारा एक्वेटिक प्लांट है। फिलहाल तो मैंने देखिए अभी इसे टेम्परेरी ऐसे ही पानी में रख दिया है, क्योंकि आज ही मैं लेकर आई हूँ ये प्लांट्स। तो ये देखिए इनकी ना हाइट काफ़ी है, लंबू हैं, काफ़ी काफ़ी लंबे हैं, ये टॉल हैं। तो इतने छोटे से प्लांटर में ये ऐसे इरेक्ट पोजीशन में नहीं रहेंगे, तो इनके लिए कोई जो डीप प्लांटर मुझे अरेंज करना पड़ेगा। इसमें तो ऐसे नहीं रह पा रहे, ये देखिए ऐसे ही ये हो जाते हैं ऐसे, तो मुझे प्लांटर अरेंज करना पड़ेगा। आज वैसे मैं ले आई हूँ इन्हें, बहुत ही खूबसूरत है, शोरनिया के प्लांट्स हैं और बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप एक प्लांट भी इसका लगाओगे तो ये बहुत ही जल्दी बेबी प्लांट्स डेवलप कर लेता है और काफ़ी रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। और इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल फ्लावर्स आते हैं, और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना भी चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो गाइस, आज मैंने ये प्लांट्स ऐड किए हैं अपने गार्डन में। तो कैसे लगे आपको ये मेरे प्लांट्स? और गाइस, इस समय इवनिंग टाइम है, कोई 6:30 के करीब, और इस टाइम पे भी देखिए यहाँ पे यो मेरे ये है मॉस रोज, अभी भी देखिए खिले हुए हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इसे मैंने तो बॉटल प्लांटर में ही लगा दिया था और बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये पिंक वाला तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल ये प्लांट है। और ये वाला जो कॉलियस है, ये डार्क लीव्स वाला, ये भी मैंने ऐड किया है इसी सीज़न अपने गार्डन में, पहले मेरे पास नहीं था। तो गाइस, ये वाले फ्लावर्स ये भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये मेरे गार्डेनिया के फ्लावर्स, बहुत ही देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और बहुत अच्छी ब्लूमिंग दे रहा है जो छोटा सा प्लांट। और इसे मैं रिपोर्ट करूंगी, जैसे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि बड़े प्लांटर में शिफ्ट करूंगी। और ये है मेरा जो अपराजिता की वाइन, इस समय ये फ्लावर्स अभी बंद हुए हैं।
और ये सारे प्लांट्स ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो न्यू एडिशन जो मैंने की, आज का जो मेरा अपडेट था, यही मेरे फोर प्लांट्स, ये ब्यूटीफुल फोर प्लांट्स आज मैंने ऐड किए हैं। और कैसा लगा वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।